सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली वीकेंड आ चुका और मैं आ गया हूँ नई डेयरडेविल एसएमपी की वीडियो के साथ। और हम आ गए हैं डेयरडेविल एसएमपी में और आज मैं प्लान करके आया हूँ मेरे को क्या करना है। तो वो काफ़ी हटके है, आवाज़ सुनी ना पीछे भाई? हाँ, ये आवाज़ भाई साहब बड़ी स्केरी लगती है। अब हम माइंड में होते हैं खासतौर से, अभी तो यहाँ टॉर्चेज हैं, इसके पीछे स्पॉनर है, ये देखो ये रहा। मैं शाश्वत कर कह तो रहा था कि अब कर दे इजी नॉर्मल पे, पता नहीं पीसफुल एसएमपी बन रखा हमने, डिसाइड किया था इसमें कभी नहीं करेंगे। और देखो कितना ज़्यादा इसमें आधे से ज़्यादा टाइम पीसफुल ही रहा है। बाहर निकलते, रात हो रही है, सुबह रात हो रही है, रात हो रही है। चलो यहाँ से तो पूरी सीढ़ियाँ बन गई, प्रॉपर तो नहीं कहेंगे इसको ऐसे, लेकिन सीढ़ियाँ हैं। और मैंने शाश्वत के मेंशन में प्रैंक भी किया है, वो देख लो आपको भी यहाँ से लेके देखो छत तक। और मैंने लेकिन ये ठीक भी किया, देखो प्रैंक किया तो साथ साथ ठीक भी किया, जो कि इसने महीनों से नहीं किया है। देखो ये नहीं किया, जो कि पता नहीं कब से डाल रखा है इसने, मेरे को अभी ये खुद से मिट्टी डाल दे। ये देखो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। और मैं एसएमपी में पानी बैन कर दिया भाई, एसएमपी बहुत सुंदर, देखो कौन कहेगा एसएमपी सुंदर नहीं। यहाँ थोड़े गड्ढे वड्ढे हैं, ये देखो ये इधर मत देखो तो उधर, तो यहाँ पे अब मैं क्लच व्लच नहीं कर सकता। तो क्लच करना क्यों है शाश्वत के? तब ओए सैपलिंग्स गिरनी शुरू। अच्छा है मैंने एक और पेड़, ये देखो क्लच क्यों करना। शाश्वत ने प्यारा सा स्विमिंग पूल बना रखा है जिसमें मैं लैंड नहीं करता। आज की वीडियो का गोल मैंने रखा है इस पूरे एसएमपी को इससे भी ज़्यादा डेकोरेट करने का, मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। किसी ने सोची नहीं होगी, क्या पता मैं बीच में हार मान जाऊँ तब भी। ये देखो मैंने शुरुआत यहाँ से की थी फ्लावर्स मार के, हाँ तो मैं पूरा ऐसे करने वाला हूँ जैसे बोन मिल थोड़ी जगह मार दूँगा। और मैं इसको हो सकता है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट बना दूँ इसके आसपास, और इधर रेलिंग्स भी बना दूँगा, वो सब देखते हैं। मेरे को बोन मिल भी चाहिए होगा उसके लिए, देखते हैं। और मेरी एक्सपी देखो आप कितनी है। ओके तो मेरे पास 17 ब्लॉक है बोन मिल का, मेरे को लग रहा मुझे और चाहिए होगा, तो मैं एक बार ही लेता हूँ। हाँ गाइस, क्योंकि 17 इनफ नहीं है यार, ये मेरा सारा ख़त्म हो जाएगा। मैंने फॉसिल क्योंकि 17 में क्या कहते हैं हमारा वो नहीं हो पाएगा, क्या कहते हैं बहुत सारे ट्रीज उगाने हैं। नेदर में ज्वाइन होने, नेदर में आने पे भी एक लिखा आता प्रेस टू ओपन चैट। भाई साहब नीचे क्या गाइस, अभी देखना क्या कहते हैं मेरा पार्कोर स्किल्स देखना, दो मिनट। यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा, रुको पहले तो इधर जंप लगाते हैं। अरे यार सोल सॉइल बैम थी कहाँ पे? ओए ये यहाँ पे बैस्टनेस में कुछ नहीं मिला मैं लिटरली, मतलब क्या पता हिडन गोल्ड होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हमें इतनी पेशेंस ही नहीं थी कि हम इसको, मतलब इसमें है सच बताओ तो रद्दी था बैस्टन। अब हम सोल सॉइल बैम में चलते हैं इसके बहुत। अरे मैं गलत साइड आ गया, फोटो यहाँ पे गया। सोल सॉइल बैम में मैं आ चुका हूँ बस। ओए मेरे को अब क्या कहते हैं वहाँ पे बोन ब्लॉक्स ढूंढने मिल जाता है आराम से और चलते हैं। अगर यहाँ पे पीसफुल ना होता तो मैं और चैलेंजिंग होता, लेकिन अब तो मजाक की तरह ढूंढ लूँगा। गाइस अगर आप इस ग्रेवल के ऊपर ब्लॉक रखोगे तो आपको पता है क्या होगा, ये होगा यहाँ भी गिर जाएगा भाई। ग्रेवल बड़े स्कैमर्स होते हैं। ये ग्रेवल स्कैम नहीं है, ये ग्रेवल पक्का स्कैम है। ओए भाई साहब देखो कितना खतरनाक स्कैमर। ये ग्रेवल के हटने से देखना क्या सैंडविच सा केक सा लग रहा है, देखो ओरियो नहीं लग रहा है, देखो बिल्कुल ओरियो लग रहा है भाई साहब, नेचुरल ओरियो। यार यहाँ से ब्लॉक लग पाएगा? हाँ स्पीड ब्रिज करूँ? अरे भाई ये स्पीड, ओके। अरे यार वो पर्ल्स हमारे पास बिल्कुल नहीं है सच्ची में, तो कभी पीसफुल से हटते ही पर्ल्स आएंगे कैसे? ये वही जगह यहाँ पे मैंने और शाश्वत ने मिलके बेड फोड़ा था। अरे यहाँ पे बोन ब्लॉक्स हैं नहीं,
गाइस देखो मेरे पास बहुत सारा आ चुका बोन मील, और नीचे देखो बायोम अनएंडिंग है, पता नहीं कब तक, किसी दिन को तो देखो इतने बोन मील है, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। फिर मैं अब हमें चाहिए क्या, लेकिन तब भी एक होता है ना टूरिज्म, बस ऐसे एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बड़ी है, मेरे को जरा सोच रही क्या क्या होगा, कितनी बड़ी हो सकती है बायोम। अगर ये बोन मील कम पड़ गया तो शायद से थोड़ा सा बोन मील और है मेरे सीक्रेट बेस में, शायद से 20-25 ब्लॉक शायद होगा। तो अगर कम पड़ गया तो मैं ले आऊँगा अभी छलांग मार के सीधा फोर्ट्रेस में, नीचे गिर जाता ना भी खेल खत्म था, क्योंकि फोर्ट्रेस टूटा होता बीच में। गाइस आप ये देखो, मैंने ये एरो ऑफ पॉइजन भी बनाया था, और क्या कहते हैं 64 बनाया था मैंने बहुत सारे टेस्ट। देखो मेरे हाथ में बो क्यों नहीं दिख रही है, एक्स दिख रही है, बो विजिबल क्यों नहीं है? देखो सच्ची में बो मैंने कुछ सेटिंग कर दी कि बो विजिबल नहीं होगी, पता नहीं क्या फेक एरोज हैं, क्योंकि मेरे को देखो मैं वो क्या ऊपर, हाँ इफेक्ट ही नहीं लगता, ये तो सिंपल एरोज हैं। देखो ये फेक एरोज, पता नहीं क्या इनमें कोई बिल्कुल में क्या नहीं लगता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ, इफेक्ट लगा ही नहीं। SMP में एंटर हो चुके, लैग हो गया पता नहीं क्यों, और एक फिर से रात हो रही है यार। वैसे रात मेरे को पता नहीं क्यों इस टॉर्चेस के वजह से अच्छी लगती है, लेकिन अब हमें SMP के बाहर जाना है वुड तोड़ में। 50th एपिसोड में जो मेरे को सारा एमरल्ड मिला था मैंने सारा यूज़ कर दिया, क्या कहते हैं उसको, फ्लेचर के लिए। अब मेरे को वापस उड़, ये क्या है शील्ड हो, मैं वहाँ चढ़ा था मैंने फेंकी थी, और अब मेरे को यहाँ SMP के पास वाली वुड तो नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि SMP को ठीक करने के लिए SMP के पीछे वाली जगह को इतना ख़राब कर दूँ। देखो मैं यहाँ से थोड़े टाइम पहले शायद वुड तोड़ के गया, मेरे को अपना फ्री में थोड़ा सा तो सामान मिल गया, और देखो एक चीज़ करके गया, चार मिल गए, चार का ही हमें काम है, चार ओक स्प्रूस सैपलिंग से देखना क्या होता है। लेकिन वो लैंड थोड़ा सा गंदा लगता है सच बताऊँ तो, तब भी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे करते हैं प्लेन एरिया, डर्ट मैंने सोचा हो लगती है उसके लिए। बोन मील रेडी, देखो 1 2 3 4 स्वीट बेरी फार्म नष्ट हो सकता है, 1 2 हेलो भाई, हुआ क्यों नहीं मेरे को समझ नहीं आया, एक मिनट थोड़ा सा और बोन मील बनाते, क्या पता अब हो जाए, सब पे मारना है क्या? हेलो गाइस, मेरे को लगा था कि क्या कहते हैं ये वो चार वाला बड़ा पेड़ में उग जाएगा, लेकिन अब हमें एक एक करके उगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे उग नहीं रहे। ये एक बोन मील पड़ा, इसको भी ऐसे यूज कर देता हूँ। गाइस रात हो चुकी है, मैंने बहुत सारा 34 सैपलिंग जमा कर लिए, टाइम लगा, आज सैपलिंग की वैल्यू कुछ चल गई। मैं बस वुड देखो कितनी आ गई, 2 stacks से ज़्यादा, स्ट्रिप ब्लॉक इन्वेंट्री में जगह घेर रहा है, इसके मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ ताकि एक ही स्लॉट घिरे। मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही रहने दें, हम देख ले, मैं इतनी पेशेंस यार इसको पूरा होते चलते हैं 35 सेकेंड, देखते हैं क्या करेंगे। गाइस यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रीज हैं, तो अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा नेचुरल, ऐसा SMP में फ़र्क दिखना चाहिए कि हाँ, मतलब ऐसा पता चलना चाहिए ना कि मैंने अलग से मेहनत की आके। ये देखो मैंने ये मैं ओके 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 चलते हैं जल्दी। मेरी आँख के सामने पंपकिन हो गया लिटरली, मैंने दिखाया नहीं है, पंपकिन फार्म भी मैंने बनाया, ये बस ऐसे ही बना लिया, अब करते हैं काम शुरू। ओके लेट्स गो। ओए पंपकिन खा लिया क्या उसने मेरा? नहीं, ये अच्छा ट्री उगा है देखो, पूरा ऐसा लग रहा है क्रिसमस ट्री, ऐसे उगाने है मेरे को प्लीज। मैं गलत जगह उगा दिया क्या मैंने? अच्छा फार्म्स के पास नहीं उगाना शायद, उग गया, ऐसी मेरे को बहुत सारी जगहों पे करना। हाँ 3 में हो जा, वो सही था, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बनेगा इसलिए यहाँ कर देता हूँ। मेरा शुगर केन नहीं खाया ना, बढ़िया। सही में 4 पेड़ नहीं उगते क्या? मतलब 4 पेड़ नहीं है वो बड़े वाला, 1 2
3-4 क्रिटिकल हिट, क्रिटिकल हिट ज्यादा उसमें उगते हैं क्या? उग गया भाई, ये इसकी बात कर रहा था, मतलब मैं गलत नहीं था, देखो उग जाता है। वुहू भाई साहब ऐसा करना है मेरे को, लेकिन इसमें यह है कि सैपलिंग बहुत जल्दी यूज होंगी, क्योंकि भाई जितना दूर रहते सबको पहले तो करूं, सबको बोन मील मारते हैं पहले। भाई ये क्या भाई, इसकी देखो झाड़ कहाँ तक है, ज़मीन से शुरू हो रही है इसकी, मैंने कस्टम भी नहीं किया वीडियो में, सामने सामने बना ये पेड़। भाई साहब फॉर इससे ब्यूटीफुल लग भी रहा है, लेकिन थोड़ी ग्रीन भी आ गई ना। और प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और अभी हम दिवाली अब तक कैसे मनाए। अरे यार वो क्या है वो देखो वहाँ पे, मैं पॉइजन के एरोस देखना किस तरह से बेतहाशा वेस्ट कर रहा हूँ। देखो ये टावर काफ़ी पुराना है, लेकिन मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे एक ट्री का व्यू ब्लॉक हो रहा है। इसको तोड़ते ये भी तोड़ना ही पड़ेगा, खैर ये चीज़ें बहुत पुरानी है, तब भी वो अच्छा लग रहा है ट्री। तू भी टूट है हाँ देखो। अच्छा दो ट्रीज मिक्स हो रहे हो भाई साहब, बहुत बड़े बड़े उगाने। ब्राउन शीप है, वूल की एडवांसमेंट है, इसलिए मैं ब्राउन ठीक है समरिया बोन मील यहीं मार देते हैं। मेरे पास दो बोन मील थे, मेरे को तो एक ही लगा था। ओके ब्राउन वूल आ चुकी है, ये इन्वेंट्री स्पेस गिर रही है, इसको यहाँ लगा देते हैं, मैं याद रखूँगी यहाँ पे। अरे यार अब मेरे पास सैपलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, लास्ट बिग ट्री, सब पे बोन मील मारना मेरे अकॉर्डिंग। उग गया बढ़िया गाइस, ये देखो हर तरफ एसएमपी में ट्रीज हो चुके बहुत बड़े बड़े, और सच बताऊँ तो मेरे को अच्छे लग रहे हैं, अगर ये और पास पास होते ना तो और अच्छे लगते। अभी हमें और चीज़ें करनी है, ऐसे कि ये पता नहीं अच्छा लगे करनी, लेकिन तब भी कर देते हैं। तो मारना शुरू करते हैं बोन मील, ये पानी से वैसे भी एक बार ही में हट जाना है, क्योंकि शाश्वत रूल्स तो मानता है नहीं, इस पर करते हैं इस पर नहीं होता कुछ, तो ये पूरा मैं कर देता हूँ मैं। वैसे अच्छा लग रहा है, एसएमपी लग रहा है भाई, अच्छी सी फील आ रही है, प्लेन लैंड नहीं। वो गाइज मैं एक सोच रहा हूँ, एक वाटरफॉल भी बना दूँ, वो वैसा नहीं बनेगा जैसे बच्चा पार्टी में हमने वो बनाया था मीटिंग बेस, उसके ऊपर गलती से पानी डल गया, तो फिर वो कभी कलेक्ट ही नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम इतने नूब से हमें पता नहीं था वाटर सोर्स से कलेक्ट करना होता है। तो वाटरफॉल भी बना देता हूँ, ये पेड़ों का व्यू ब्लॉक करते हुए नहीं बनाऊँगा सोचता हूँ। लोकेशन हो चुकी है सिलेक्ट, यहाँ पे खोदते हैं 9 3x3 ब्लॉक करिए, मैं पहले ही नीचे पानी है तो ठीक है। अब मेरे को यहाँ बिल्ड करना है, मेरी एक्सपी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मैं क्या रिस्क लेके चल रहा हूँ। ओके मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे पानी डाल देता हूँ। ओके यार ये बहुत टॉर्चर होने वाला है गाइस। तो गाइस ये देख लो, ये है पूरा सेम्पी, वो देखो वो रहा, ये बना दिया वाटरफॉल, उसको नीचे मैंने कर दिया कनेक्ट रिवर से, ये देखो रिवर से। अब इसके पास ऐसे ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे रैंडम जगहों पे रैंडम, बस ऐसे ही कर दिया। ओके ये बन चुका हमारा वाटरफॉल, तो कि शायद बड़ा घटिया लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को घटिया लगा, अच्छा नहीं लगा, क्या पता शाश्वता का टाई देखता है उसको क्यों गंदा लग रहा हो, और सच बताऊँ तो गाइस गंदा ही लग रहा है ना, क्योंकि मेरे को एसएमपी के बीच में नहीं बनाना चाहिए था। जो भी हो आपका क्या ख्याल, आज मैंने एसएमपी को डेकोरेट किया, बिगाड़ा, देखो कितना ट्रीज, मेरे को तो बहुत सबसे अच्छे मेरे को ट्रीज लगे, ये फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, और ये वाटरफॉल मेरे को घटिया लगा। अब यहाँ पे वाटर क्लच अलाउड नहीं है, हे क्लच आप कर सकते हो बिल्कुल इस तरह, वाटर क्लच अलाउड नहीं है, वरना ये सारी मेहनत जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, एसएमपी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और